नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोट के साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना न भूले। 9819003308 के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है। तो मेहरबानी करके आप किसी भी नाम और नंबर पर यकीन ना करें जब तक आपकी मेरे से बात नहीं हो जाती। 9819003308 पर, क्योंकि काफी लोग मेरे नाम से आईडी बदलकर, फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों से बचकर रहें। आप जब तक मुझसे बात ना कर ले, जब मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दूं, तब तक आप किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट हो, और किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से, कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ना डाले। खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर वो कहता है कि मैं बाबा रिजवान खान हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच, शाखा, आश्रम या आस्ताना नहीं है। जब भी वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा, नंबर देगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरा है या किसी और का। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे कजली लगाना के बारे में, यानी एक ऐसा हजरात जो आप भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे पीरों को, बाबाओं को, जो एक छोटे बच्चे के अंगूठे पर काजल लगाकर उसमें किसी हाजरात को हाजिर करते हैं या किसी पीर को बुलाते हैं और उससे सारे सवालों के जवाब लेते हैं। यानी किसी का कोई भी काम हो तो किसी भी 12 साल की उम्र के बच्चे को बुलाकर, नहला धुलाकर उसके अंगूठे पर काजल लगाते हैं और पीर को बुलाते हैं। उसे हाजरात भी कहते हैं, कजली लगाना भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको जो कजली लगाने के बारे में बता रहा हूं वो थोड़ा अलग है। आपको इसका अमल करना पड़ेगा। अमल हो जाने के बाद आप कभी भी कजली लगा सकते हैं और हाजरात करके आप भी पीर को बुलाकर अपनी और दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिना उस्ताद के कोई भी अमल बेकार है। अगर आपका कोई भी उस्ताद हो तो आप उसको दिल से माने और उसके नाम से ही अमल शुरू करें। अगर आपके उस्ताद नहीं है तो अपने माँ बाप का नाम लेकर भी आप ये अमल शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना है 11 मरतबे। पहले दरूद शरीफ और दुआ पूरी होने के बाद फिर आपको 11 मरतबे दरूद शरीफ पढ़नी है। ऐसा आपको रात को करना है। जब भी आपको रात को सोने से पहले वक्त मिले आपको इसे 113 बार पढ़ना है। 113 बार इस दुआ को पढ़नी है। और आप चाहे तो अपने सामने एक काजल की डिब्बी रख सकते हैं और एक काले हकीक का पत्थर रख सकते हैं जो बड़े आकार का होता है। लकड़ी का टेबल रखें, अगरबत्ती जलाएं, उस टेबल के ऊपर एक अच्छा सा काले रंग का कपड़ा या कोई अच्छा सफ़ेद कपड़ा बिछा दें, उसके सामने आप एक पत्थर रखें और एक काजल की डिबिया, भरी हुई काजल की डिबिया रखें। डिबिया चाहे तो आप काजल की बाजार से खरीद सकते हैं या खुद भी काजल तैयार कर सकते हैं। आपको जब भी बिस्तर में जाना हो, लेटने के लिए जाना हो, उससे पहले आप पाक साफ हो जाए, वजू कर ले, मुंह हाथ धो ले, उसके बाद आप जाए, जानमाज बिछाए, दो अगरबत्ती जलाए और आप अपने हाथ में कोई भी एक तस्बीह ले लें या कोई एक माला ऐसी बना ले या काउंटर मशीन ले ले। याद रखिए आपको 113 बार पढ़ना है। जब आप पढ़ते रहें यह आपको अमल 11 दिन तक करना है। कम से कम 11 दिन में यह आपका अमल सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको जाके अपने बिस्तर में सो जाना है तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई पीर आकर आपको जगा रहा है, आपको हिला रहा है। तो जब वो उठे तो आप उससे बात करें, वादा इकरार कर ले जो वादा है और ये कहे कि जब भी मैं आपको हाजरात या कजली लगाकर किसी के भी अंगूठे पर मैं आपको जब बुलाऊंगा तो आप आ जाइएगा, या हकीक पत्थर पर जब भी मैं आपको बुलाऊंगा काजल लगा के तब आप आ जाइएगा। और जैसे ही आप उस काजल पर या हकीक पत्थर पर 21 बार पढ़ के फूकेंगे उसके अंदर कोई पीर की शक्ल घोड़े पर आती हुई आपको नजर आएगी या किसी का भी चेहरा आपको उसके अंदर दिखाई देगा। फिर आप खुद भी देख सकते हैं, सामने वाले को भी दिखा सकते हैं या किसी बच्चे को बिठाकर आप कजली लगाए
तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे पाक साफ होते हैं और बच्चों का मन जो होता है बहुत ही पाक होता है। और आजकल हमारा जो मन होता है बहुत तेज भागता है, शक की नज़रों से, गलत नज़रों से, वहम की नज़रों से, होगा कि नहीं होगा, कि बकवास है, क्या है, 10 तरह के सवाल दिमाग में घूमते रहेंगे तो कोई भी आकृति आपको उसके अंदर दिखाई नहीं देगी। परहेज बहुत ज़रूरी है, गोश्त, अंडा, मछली, मटन, दारू, शराब, नशा, गुटखा सब नहीं खाना है और नहीं पीना है। ध्यान रखिएगा, जब तक आपका अमल चले, आपको अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी भी नहीं करनी है, ना ही कोई गंदे ख्याल दिमाग में लाने हैं और ना ही कभी किसी को गाली देनी है। अगर आप 5 वक्त के नमाजी हो तो बहुत बेहतर है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप दरूद शरीफ ज़रूर याद कर लें, क्योंकि दरूद शरीफ के बिना कोई भी दुआ शुरू नहीं होती है। इसका जो मंत्र है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आपको दरूद शरीफ 11 बार पढ़नी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मदी व आला आले सैयदना व मौलाना मोहम्मदी व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसा आपको 11 मरतबे पढ़ना है, उसके बाद आपको शुरू करना है अस्सलाम या पीर गौसुल आजम दस्तगीर, अस्सलाम या पीर गौसुल आजम दस्तगीर, आपको ऐसा 113 बार पढ़ना है। और जब आपका 113 बार हो जाए, उसके बाद आपको 11 मरतबे दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपको उस काजल की डिब्बी में या फिर आप उस काले रंग के हकीक पत्थर पर पढ़कर फूके, उसके बाद उसको संभाल कर किसी डब्बी में बंद करके रख ले, और दूसरे दिन फिर आप उसको निकाल कर उसी तरह से बैठे, आपका मुंह पश्चिम की तरफ होगा यानी वेस्ट की तरफ, पाक साफ रहिए, साफ सुथरे रहिए। चाहे तो आप रोज ही कपड़ा नहा धोकर पहन सकते हैं, अमल करने का तरीका बहुत ही पाक साफ है, कोई भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, सच्चे दिल से करिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोट के वजीफे, साधनाएं, विधि विधान मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।